हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाइट और एंगल के कुछ टर्म बताने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक? अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक? पहला पॉइंट, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस। पॉइंट क्या होता है? किसी प्लेन सरफेस में क्या होता है? एक लोकेशन होता है, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट वर्ब क्या डिफाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, कोई कोई आपका वर्टेक्स कहाँ है, कोई पॉइंट कहाँ है, ये बताता है। पॉइंट पॉइंट क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन होता है किसी प्लेन सरफेस में, ठीक है? सेकेंड आपका लाइन, लाइन इट इज द स्ट्रेट, ये क्या होती है? सीधी होती है, हैज नो थिकनेस, इसकी क्या होती है? मोटाई नहीं होती है। एंड इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट इन, और यह दोनों डायरेक्शन में क्या होती है? विदाउट इन इनफाइनिटली क्या बढ़ सकती है, ठीक है? लाइन जो होती है दोनों डायरेक्शन में क्या है? विदाउट इंडलेस, मतलब बिना खत्म हुए दोनों डायरेक्शन में क्या होती है? फैल सकती है, ठीक है? इसे बोलते हैं ये इनफाइनाइट तक क्या एक्सटेंड करती है, बढ़ सकती है, और इससे क्या कोई मोटाई और लंबाई नहीं होती है। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है, क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है जिसको क्या हम मेजर कर सकते हैं, क्या करते हैं? हम मेजर कर सकते हैं, उसके बीच की दूरी को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, और यह दो पॉइंट बीच बंधा होता है, यह दो पॉइंट बीच क्या होता है? बंधा होता है, मतलब बाउंडेड होता है, ठीक? अगला है रे, इट इज अ लाइन व्हिच इज एक्सटेंड इन ओनली वन डायरेक्शन इनफिनिटली। रे क्या होता है? रे क्या एक लाइन होती है जो केवल एक डायरेक्शन में क्या है? इनफिनिटली बढ़ सकती है, और एक डायरेक्शन में क्या होती है? वो बाउंडेड होती है, मतलब बंधी होती है। देखिए फिगर ही देखना है, सबका फिगर में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? इसे क्या बाउंडेड पॉइंट है, ये क्या इसका एक्सटेंडेड पॉइंट है, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? अगला टॉपिक है आपका एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे। एन एंगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे, टू और रे होता है, यानी टू से अधिक होता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी टू ही होती है, लेकिन यार टू रे की बात कर रहे हैं विद ए कॉमन इंड पॉइंट। जिन दोनों बीच क्या होना चाहिए? कॉमन इंड पॉइंट होना चाहिए, वही क्या होता है आपका? वहां पर एंगल फॉर्म होता है। जैसे देखिए ये ओ रे है और ये ओ बी रे है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है, तो यहाँ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। इसको लिखते कैसे हैं? एंगल ए ओ बी, जो इंड पॉइंट होता है वो बीच में होता है, ठीक है? और जो दो ये पॉइंट होते हैं क्या किनारे किनारे होते हैं, तो इधर ए ओ बी पढ़ते हैं, चाहे इसको बी ओ ए पढ़ते हैं, दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है? ओके, आगे है टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल के टाइप्स, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? फर्स्ट उसमें एक्यूट एंगल, एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या छोटा है, तो किस कैटेगरी में आएगा आपका? एक्यूट एंगल कैटेगरी में आएगा। इस इसका फिगर ये बना हुआ है, इस एंगल मुझे कितना है, ये 0 से बड़ा है लेकिन क्या 90 से क्या छोटा है, किस कैटेगरी में आएगा आपका? एक्यूट एंगल कैटेगरी में आएगा, ठीक है? मतलब वो सारे एंगल जो 0 से बड़े हो और 90 एंगल से क्या छोटे हो, 90 डिग्री से क्या छोटे हो, इसमें आएगा वो एक्यूट एंगल पे आएंगे, ठीक है? दूसरा राइट एंगल, एन एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली मेजर 90 डिग्री राइट एंगल, वह एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, उसको राइट एंगल कहेंगे। जैसे इसका फिगर ये बना हुआ है, इसकी मेजर क्या है, ठीक है, 90 डिग्री है। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, वह एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो, किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कैटेगरी में आएगा। उसका फिगर यहां पे सामने ये बना हुआ है, ठीक है? मतलब वे सारे एंगल जो 90 से बड़े हो और क्या हो 180 से क्या हो छोटे हो, किस कैटेगरी में आएंगे आपके? ऑब्ट्यूस एंगल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? अगला है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, वह एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो 180 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे, लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। देखिए इसका फिगर ही बना हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, इधर ओ ए क्या है, ओ बी क्या अपोजिट रे, तो अपोजिट रे से क्या बनेगा आपका, अपोजिट रे से क्या बनेगा आपका
वर्टिटी का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन वर्टिटी डिग्री बट लेस देन 30 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल। वह एंगल जिसकी वैल्यू वर्टिटी से बड़ी हो लेकिन 360 से क्या छोटी हो, उसे क्या बोले हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। सो रोटेशन ये है, सो फिगर देखना है इसकी वैल्यू क्या है, वर्टिटी से क्या ज्यादा है, 360 से क्या कम है, ओके। छठवां है कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मीन्स द 30 डिग्री, इसका कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो, 30 डिग्री हो, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे एक लाइन, लाइन का क्या, एक इंटर पॉइंट, इंटर पॉइंट अगर इंटर पॉइंट है, इंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग अराउंड इस लाइन को घुमाया जाए तो कितना एंगल बनेगा पूरा, जब तक ये अपने इनिशियल पोजीशन में घूमो क्या जाते हैं वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा तो कितना एंगल फॉर्म होगा, 30 डिग्री। इसे बोलते हैं आप कंप्लीट एंगल, मतलब पूरा राउंड लेकर वो अपने पोजीशन पे आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। अगला टाइप आपको कंप्लीमेंट्री एंगल, ये आपका अलग टाइप का एंगल होता है, ठीक है। इसमें दो एंगल की बात की जाती है, कंप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल ऐसे हो इनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो क्या बोलते हैं इनको, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल ए को, एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया, बी हो गया, और उनका सम क्या हो गया, 90 हो गया, तो क्या बोलेंगे उनको, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और ए और बी एक दूसरे के क्या कराएंगे, कंप्लीमेंट कराएंगे, क्या बोलेंगे, ए और बी एक दूसरे के कंप्लीमेंट कराएंगे। अगर आपको एक एंगल पता है और दूसरा एंगल पूछ रहा है कि एक एंगल है दूसरा एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे, दूसरे को निकालने के लिए जो एंगल ए दिया है उसको 90 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, आपका निकल आएगा, तो क्या उसका कंप्लीमेंट एंगल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आपका सप्लीमेंट्री एंगल, द एंगल द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 हो, इसमें 90 था इसमें क्या जाएगा 180 हो जाएगा, तो क्या सप्लीमेंट हो जाएगा, तो वो दो एंगल क्या कराएंगे आपको, सप्लीमेंट एंगल कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, इस जो एंगल दिया है उसमें क्या करेंगे 180 उस माइनस कर देंगे, जो नहीं दिया उसमें भी आपको प्लस हो जाएगी, और एंगल क्या करेंगे सप्लीमेंट कराएंगे, ठीक है। अगला है आपका लीनियर पेयर एंगल, व्हेन ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज 80 डिग्री, अगर कोई लाइन है ए बी एक लाइन है उस पर ओसी रे क्या है, ओसी रे है वो स्टैंड कर रही है, तो इन इस लाइन इस रे और इस रे की जो एंगल फॉर्म होगा, इस रे और इस रे की जो एंगल फॉर्म होगा उस सब कितना होगा 180 होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे ए ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या लगेगा आपका इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का एंगल सब कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगला टॉपिक पैरेलल लाइंस, व्हेन टू आर मोर देन टू लाइंस हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसी दो लाइन या दो से अधिक लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो कॉमन हो या फिर डिस्टेंस क्या इक्वल हो, अगर इनफाइनाइट तक को बढ़ाया जाए तो क्या हो इनफाइनाइट तक ये बढ़ती चली जाए और इनका डिस्टेंस क्या हो चेंज ना हो, तो क्या कहेंगे इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे आपकी ट्रेन की पटरी होती है ना, जब सीधी चली आती है वो क्या आपस में नहीं मिलती है, ठीक है। अगर ये आपको मिल जाएंगे तो पैरेलल लाइन नहीं कराएंगे, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। इनके बीच क्या डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। इसका नोटेशन क्या होता है, ए बी क्या है पैरेलल टू सी डी है, लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, दो पाई खींचेंगे, दो लाइन खींचेंगे जो इक्वल साइड की हो, ठीक है। और इससे भी हां सीधी से पैरेलल किया ए बी हो गया पैरेलल सी डी के, सी डी पैरेलल हो गया ई एफ के, और ई एफ पैरेलल हो गया ए बी के, मतलब तीनों आपस में क्या है पैरेलल हो गए, मतलब समांतर हो गए, हिंदी बोलते समांतर रेखा है। अगला है ट्रांसवर्सल, ठीक है। व्हेन ए लाइन कट टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है आपका पी इसमें है, इसको क्या है क्यू है, पी और क्यू क्या है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इस तो क्या हो गया ट्रांसवर्सल क्या हो गया पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल लाइन ए बी किसे पैरेलल है सी ए बी पैरेलल सी डी के, सॉरी सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी और इसको लाइन क्या ट्रांसवर्स कर रही है मतलब काट रही है, उसके अपने ट्रांसवर्सल बोलेंगे, इस पॉइंट पर पी और क्यू पर काटते हैं, ओके। एंगल्स फॉर्म इन पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइन में कैसे एंगल बनते हैं उनके थोड़ा जानते हैं,
एबी क्या एक पहला लाइन है और सीडी क्या है, एबी सीडी क्या पहला लाइन है, उसको एल एक ट्रांसवर्स कट कर रहा है, ठीक है। तो कितने एंगल बनेंगे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बनेंगे। इनो आठ, इन आठवां एंगल में क्या है, रिलेशन फाइंड करना है। पहला बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 2 और 6 बराबर होगा, एंगल 2 और 6 बराबर होगा, एंगल 4 और 8 बराबर होगा, एंगल 3 और 7 बराबर होगा। ये क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। दूसरा है को इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर क्या आपका 4 और 5, एंगल 4 प्लस 5 का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल 3 और 6, एंगल 3 और 6 का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, एल के दो तरफ 3 और 5 बराबर होंगे, 4 और 6 बराबर होंगे, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर होता है एंगल होता है। चौथा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे एंगल 1 के अपोजिट 3 है, 6 के 8 है, 2 के 4 है, 5 के 7 है, ये सब क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल क्या आपस में बराबर होते हैं, 7 बराबर 3 के, 2 बराबर 4 के, 6 बराबर 8 के, 5 बराबर 7 के। पांचवा एंगल बनता है इसमें एक्सटीरियर एंगल, क्वेश्चन होता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, मतलब 1 बाहर है और 8 बाहर है, 2 बाहर है और 7 बाहर है, तो 1 और 8 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, और 2 और एंगल 7 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये पांच टाइप के एंगल क्या पैरेलल लाइंस में बनते हैं, इनकी बारे में क्या डिस्कस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। नमस्ते।